बिल क्वालिटी देखे ये वाला हीरो वाले ने क्या दिया देखे, एक उंगली से ना ऐसा गाने से पूरा निकल जा रहा है। देखे हीरो वालों थोड़ा ये तो दे दो यार, इंजन कॉल दे दो, रेडर में मिलता है 125 में। दो हेडलाइट को वैसे एक हेडलाइट देते है ना, एक हेडलाइट तो बहुत पावरफुल हेडलाइट देते तो वो अच्छा रहता। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के वीडियो में गाइस थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा गाइस कि क्या के ऊपर वीडियो होने वाला है बोलकर। तो ये एक्सट्रीम जो मेरा हीरो एक्सट्रीम 125R आप देख सकते हैं गाइस, तीन महीना हो चुका है। तो काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस अभी हो चुका है एक बाइक में गाइस, ठीक है। 3 महीने का बहुत एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर चल चुका है गाइस, ठीक है। क्या इसमें मतलब नेगेटिव पॉइंट्स और डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूँ। अभी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं गाइस, ठीक है, कुछ पॉइंट्स होगा नेगेटिव तो, और थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स होगा गाइस सजेशन, तो हीरो कंपनी के लिए सजेशन भी देना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। ये वीडियो के लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हुआ मेरे 3 मंथ्स हो चुका है गाइस, ठीक है। और फर्स्ट में इसका डिसएडवांटेज मैं बोलना चाहूँगा कि आपको यदि आप हीरो एक्सट्रीम आप ऑन करते हैं तो गाइस आपको पता होगा। तो फर्स्ट इसको डिसएडवांटेज जो है इस पर गियर आपका इधर देख सकते हैं, ये गियर है ना बहुत, ये गियर देखने में अच्छा है गाइस, सभी ठीक ठाक ही है, पर जब चलाएंगे तो बहुत ही हार्ड है गियर गाइस, बहुत ही हार्ड है, मतलब कभी कभी शिफ्ट नहीं होता है और कभी कभी अटक जाता है गाइस, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा मुझे, गियर जो है ना बहुत अटकता है गाइस, ठीक है, कभी कभी अटकता है, तो उतना स्मूथ नहीं है गियर। मेरा दूसरा बाइक भी है FZ भी है गाइस, ठीक है, और उसमें गियर है ना पुराना है, बहुत पुराना हो चुका है वो, पर इसका गियर इतना स्मूथ है ना, पर इसका यह नया बाइक है पर इसका गियर जो है ना बहुत ही कभी कभी अटकता है गाइस, हार्ड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइस आपका ये की देखिए गाइस, या फिर अच्छे से नहीं निकल रहा है, ये एकदम थर्ड क्वालिटी का चाबी दिया इन लोग ने, की दिया गाइस, ठीक है, बाइक में तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं गाइस, ठीक है। ये क्या है ये देखिए, ये वेब क्यूब नहीं जो एकदम मतलब ये चिप क्वालिटी का मतलब की दिया इन लोग ने, तो बहुत ही चिप क्वालिटी का इन लोग की चाबी दिया है गाइस, ठीक है, इन लोग ने। तो कभी कभी मैं यहाँ देखें आप प्रॉब्लम में दिखाता हूँ कब प्रॉब्लम होगा, तो इतना ईजिली नहीं निकलता है, इतना जल्दी तो अंदर भी नहीं जाता है गाइस, ठीक है। अभी ये मैंने चिप डाल दिया, देखिए अटक रहा है, अच्छा से देखा था आपको अभी, ठीक है। तो अभी इसको अटक यहाँ देखिए, इतना वो कर रहा है, इतना स्मूथ नहीं गाइस, ठीक है, बहुत ही आपको कभी कभी पूरा अटकते जाता है, तो वो एक मुझे प्रॉब्लम होगा, टाइम लगता है 5-6 सेकंड लगता है चाबी निकालने में, तो प्रॉब्लम समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। आप भी एक्सट्रीम ऑन करते थे आपका में वो प्रॉब्लम है कि नहीं आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो द थर्ड क्वालिटी जो है ना गाइस, ये वाला बिल्ड क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी एकदम मतलब अच्छा नहीं है गाइस, ठीक है, तो मतलब एकदम नॉर्मल सा है और एवरेज सा बोलूँगा गाइस, ठीक है। एक लोग देखें सब फाइबर्स है, ज़्यादातर फाइबर्स देखने को मिलेगा, पर बिल्ड क्वालिटी लोग ने अच्छा नहीं दिया। वो रेडर का उसका पेंट बहुत ही अच्छा है, रेडर 125, जब मैं उसका बिल्ड क्वालिटी देखता हूँ और इसका देखता हूँ, उसका पेंट भी बहुत ही अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा गाइस, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए थोड़ा हीरो वालों को, वही है गाइस रेडर के कंपेयर में। अरे बिल्ड क्वालिटी या पेंट क्वालिटी आप क्या बोलो गाइस, ठीक है, दोनों में इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी देखिए ये वाला, हीरो वाले ने क्या दिया देखे, एक उंगली से ना ऐसा गाने से पूरा निकल जा रहा है। देखे ये क्या है, ये इतना पतला देते हैं लोग, तो इतना मतलब घटिया बिल्ड क्वालिटी दिया है हीरो वाले ने। यह सीट देखे यहाँ से पता चल जाता है कि कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी बोलकर। जो फोर्थ अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया होगा इस, ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम से ये वाला प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, इसका फिट एंड फिनिश में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, फिट एंड फिनिश एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाइक का फिट एंड फिनिश जो है, तो आपको दिखाते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखें आपका गैप, यहाँ पर देखे गाइस, फिट एंड फिनिश देखें, यहाँ पर इतना गैप है, यहाँ पर
इतना बड़ा गैप है यहाँ पर, देखें इतना गैप है। ये ऊपर करने से भी ये भी अंदर का सब दिख जाता है, और गैपिंग देखिए फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं दे हीरो वाले ने, तो फिट एंड फिनिश के मामले में थोड़ा पीछे है अभी हीरो गाइस, ठीक है। अच्छा से नहीं किया है फिट एंड फिनिश, मुझे अच्छा नहीं लगा कहीं कहीं जगह पर। फिर प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, ये वाला यहाँ पे देखिए, इसका मड गार्ड जो है ना, मतलब स्टाइलिश मड गार्ड है, बट देखने में अच्छा लगता है, पर डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है गाइस इसका, यहाँ पे देखिए ये पानी पूरा जो मिट्टी, तो पूरा मिट्टी देखेगा यहाँ पे चला जाता है आपका, देखिए गाइस यहाँ पर देखिए, तो इसमें चला जाता है, इसके कारण से क्या होता है ना, तो ये चाबी जो लॉक जो बिगड़ने का जो चांसेस होता है भाई, ठीक है। पूरा यहाँ पे बालू पूरा जमा हुआ है, देखिएगा सैंड और पूरा मिट्टी जमा हुआ है यहाँ पर, मतलब जल्दी ख़राब होने का चांसेस है गाइस, ठीक है। वही बोलूँगा मैं मड गार्ड, ये वाला मड गार्ड ना थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं यहाँ तक। और दूसरा डिसएडवांटेज है गाइस, ठीक है, ये भी आपके लिए, मेरे लिए डिसएडवांटेज है गाइस, ठीक है। तो ये भी प्रोजेक्टेड हेडलाइट है गाइस, ठीक है, प्रोजेक्टेड हेडलाइट, एकदम पुअर हेडलाइट है इसका, हेडलाइट जो थ्रो है ना एकदम पुअर है गाइस, ठीक है, एकदम वीक है इसका थ्रो। हालांकि दो दो हेडलाइट दिया है, वो भी प्रोजेक्टेड दिया है गाइस, ठीक है, इसकी वजह से मैंने खरीदा था, मतलब अट्रैक्ट किया था गाइस, ठीक है, ये बाइक का मतलब हेडलाइट की वजह से भी। पहले मैं RS 200 चलाता था, उसका हेडलाइट वो भी प्रोजेक्टर था, पर हैलोजन प्रोजेक्टर था, वो बहुत बढ़िया था गाइस इससे कंपेयर में, इसका हेडलाइट बहुत मतलब डिसेंट है गाइस, ठीक है, उतना पावरफुल नहीं बोल सकता, तो इससे थोड़ा मुझे पावरफुल हेडलाइट चाहिए था गाइस, ठीक है, नाइट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम आ सकता है आपको भी, तो हेडलाइट थोड़ा हीरो वाले ने थोड़ा अलग, दो हेडलाइट को वैसे एक हेडलाइट देते है ना, एक हेडलाइट तो बहुत पावरफुल हेडलाइट देते तो वो अच्छा रहता। आप जाते हैं एक्सपेक्टेशन क्या है गाइस, एक्सपेक्टेशन होता है गाइस, ठीक है, हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है ये बाइक में, और क्या क्या होना चाहिए था, कोई कोई बाइक हालांकि इस प्राइस सेगमेंट में बाइक ठीक है गाइस, ठीक है, पर क्या क्या होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए गाइस इधर, मेरा एक्सपेक्टेशन जो था एरो वाले से आने वाले दिन में थोड़ा वो देने से अच्छा होता। नहीं खाली खाली देख रहा ना, यहाँ पर देखिए गाइस इतना खाली है यहाँ पर, तो एक तो यहाँ पर मोटा काट का जो है ना वो नहीं है, ठीक है, इस साइड में नहीं, स्टाइलिश तो है पर यहाँ पे पूरा खाली दिख रहा है गाइस इस जगह, देखिए क्योंकि डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें, वो एक रीज़न है गाइस, इसमें डिस्क ब्रेक होता तो बहुत ही अच्छा होता, थोड़ा बल्कि भी देखता ये जो पूरा पार्ट कवर होता अच्छा दिखता है गाइस, ठीक है, तो डिस्क ब्रेक हालांकि इसमें होना चाहिए था गाइस, ठीक है, इस बाइक में देता तो ये वाले अच्छा होता डिस्क ब्रेक का गाइस, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग गाइस इन कमिंग प्रोडक्ट और वो एक तो दाम हालांकि 1-2 हज़ार बढ़ा, 2-3 हज़ार बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और जो गाइस है इसमें हीरो रेडर रेडर 125 में इसका इंजन कॉल मिल जाता है गाइस, यहाँ पे नहीं मिलता आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलता। हीरो वालों थोड़ा ये तो दे दो यार, इंजन कॉल दे दो, रेडर में मिलता है 125 में, आप लोग नहीं देते इसमें, इसमें देता तो अच्छा होता, और भी बल्ब बल्कि देखता और भी लुक्स भी इनहेंस होता गाइस, ठीक है। वो एक और ये भी देता तो अच्छा होता हीरो वाले, हीरो वाले ये भी देता तो अच्छा होता, तो बहुत उतना मेजर तो नहीं है गाइस, ठीक है, यहाँ पे जब मीटर आपको जाते हैं, हालांकि ब्लूटूथ आपको इस प्राइस में ब्लूटूथ मीटर दे रहा है गाइस, ठीक है, ब्लूटूथ मीटर मिलेगा आपको, पर आपको एक अच्छे चल चुका है मेरा ऑडो में देख सकते हैं। और क्या बोला अभी, तो मैं क्या बोलने वाला था, यहाँ पे देखिए आप ऑडो में इसको जब वो करता हूँ, ऑडो ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप बी और एवरेज, एवरेज माइलेज तो दिखाता है गाइस, ये वाला ये करेंट माइलेज है गाइस, ठीक है, करेंट माइलेज दिखाता है यहाँ पर, जब चलेगा तभी देखा शो करेगा माइलेज है ना, तो वो करेंट माइलेज, पर जो फिक्स माइलेज आपको नहीं दिखाता है यहाँ पर, देखे डायरेक्ट ऑडो हो गए, एटलीस्ट रेडर में मिलता है गाइस, रेडर को नॉर्मल वेरिएंट ले लो उसमें मिल जाता है, दो दो माइलेज मिल जाते हैं, एक करेंट माइलेज तो इसमें ही मिल जाता है, पर जो फिक्स माइलेज होता है ना, तो ये सब चीज़ें गाइस जो मुझे मतलब कोई कोई नेगेटिव पॉइंट्स कोई प्रॉब्लम लगा बाइक में, वो मतलब डिसएडवांटेज लगा बाइक का कोई कोई प्रॉब्लम गाइस, ठीक है, और कोई कोई सजेशन भी है, मतलब ये इम्प्रूव कर सकता है, और भी आने वाले दिन में थोड़ा एक्सट्रीम 125 को और अपडेट कर लाते थे इन लोग, और भी अच्छा होता है, जैसे कि रियर डिस्क इंजन कॉल और है ना ये सब देते तो और भी अच्छा होता है, जैसे कि मीटर में थोड़ा बहुत एवरेज माइलेज। यदि आप भी एक्सट्रीम 125 ऑन करते तो आपको पता होगा गाइस, तो जो लेने जा रहे हैं गाइस, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा आपको
कोई परेशानी नहीं है ये सब चीज़ों से, तो आप यू कैन गो फॉर दिस बाइक गाइस। ठीक है, लुक्स बहुत बढ़िया है, चलने में बहुत बढ़िया है, ठीक है, और माइलेज भी अच्छा ही देता है। माइलेज का वीडियो मैंने बनाया हूँ गाइस। वीडियो का चला देखिए, अकाउंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय।